हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैंस किचन। आप सबका स्वागत है मेरी किचन में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी रेसिपी जो कि बनी है तिल और मूँगफली से। जी हाँ, ये है तिल और मूँगफली की बर्फी। देखिए कितनी टेस्टी और कितनी यमी दिख रही है और इसका टेक्सचर भी कितना परफेक्ट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम बनाते हैं तिल और मूँगफली की बर्फी। यहाँ मैंने लिया है 200 ग्राम पिसी हुई चीनी और साथ में 2 से 3 इलायची। साथ ही मैं ले रहा हूँ 200 ग्राम वाइट तिल। जी हाँ, ये सफ़ेद तिल हैं। और साथ ही मैंने लिया है यहाँ पे 200 ग्राम भुनी हुई मूँगफली, इनके मैंने छिकल उतार लिए हैं। यहाँ मैंने लिया है 2 टेबलस्पून सूजी, ये नॉर्मल सूजी है, और 2 टेबलस्पून बेसन लिया है। यहाँ मैंने 100 ग्राम मावा लिया है। अगर आपके पास मावा अवेलेबल ना हो तो आप 100 ग्राम मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, ये आप अपनी चॉइस के ले सकते हैं। मैंने किशमिश और बादाम लिए हैं। साथ ही यहाँ मैंने 1/4 कप देसी घी लिया है। ये घर का निकला हुआ देसी घी है, आप मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हैं, टेस्ट वही आएगा। और इस रेसिपी में मैं थोड़ा सा कलर का यूज़ कर रहा हूँ, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास है कलर तो आप यूज़ कीजिए, अदरवाइज़ आप केसर के स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं। और 1/2 कप मैंने यहाँ पे लिया है पानी। तो चलिए बनाने की विधि देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारे वाइट तेल हैं इनको हम फैलेंगे ड्राई रोस्ट। इसको हमें अच्छे से भुनना है 1 से 2 मिनट के लिए, जब तक ये पॉप ना हो जाए। और इसको एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लें। अब सेम पैन में, गर्म पैन में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून करीबन घी, और इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। आप अपनी चॉइस के ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, यहाँ पे आप काजू और पिस्ते भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ किशमिश और बादाम को अच्छे से फ्राई कर लिया है, इससे इनका टेस्ट एनहेंस हो जाता है। अब इसको निकाल के आप एक कटोरी में अलग रख लें और ठंडा होने दें। अब सेम पैन में जो बचा हुआ घी है उसमें हम रोस्ट करेंगे हमारी मूंगफली को। ये पहले से मूंगफली रोस्ट की हुई थी जिनका छिलका मैंने निकाल लिया था। बस हल्का सा इसको 1 से 2 मिनट हम चलाएंगे ताकि इसका फ्लेवर घी का जो है हमारी मूंगफली में आ जाए। और ये हो जाने के बाद आप कर दें गैस बंद और इसको भी ठंडा होने के लिए प्लेट में निकालें। अब उसी सेम पैन में हम डालेंगे हमारा बचा हुआ घी और इसको होने देंगे हम गर्म। फ्रेंड्स, ये रेसिपी जो है बहुत इजी है, आप कभी भी इसे ट्राई कर सकते हैं। सर्दियों में तो इसे खास तौर से बनाएं। देखिए घी गर्म हो चुका है, अब मैंने इसमें डाल दिया है सूजी और बेसन और इनको हमें अच्छे से भूनना है। लगातार चलाते रहें, इसको करीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे भूनने में। गैस आप स्लो टू मीडियम ही रखें और आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये जब भूनेगा तो सबसे पहले इसमें इस तरह का झाग आएगा, और जब झाग नीचे बैठ जाए और इसमें इससे अच्छी खुशबू आने लगे तो ये डन हो चुका है। अब हम इलायची को, जो हमने ली थी हरी इलायची, इसको थोड़ा सा कुटकुटा लेंगे। अब हम इसकी बनाएंगे चाशनी। यहाँ मैंने पिसी हुई शुगर लिया है, आप नॉर्मल शुगर भी ले सकते हैं। ये मैंने इसलिए पीसा था क्योंकि जल्दी हो जाती है चाशनी, इससे इसे पकने में टाइम नहीं लगता। अब इसमें मैंने डाल दिया है 1/2 कप पानी और इसको मैं बनाऊँगा चाशनी। ये देखिए पानी में बॉयल आना शुरू हो गया है और मैंने यहाँ पर कुटी हुई जो इलायची है वो इसमें ऐड कर दी है। और साथ ही मैं यहाँ ऐड करूँगा पिंच ऑफ कलर, इससे थोड़ा सा कलर अच्छा आएगा हमारी बर्फी में। आप चाहे तो यहाँ पे केसर के स्ट्रिंग्स भी डाल सकते हैं। और इसको हम दे देंगे एक अच्छा सा मिक्सचर। हमें फ्रेंड्स यहाँ पे 1 तार की चाशनी बनानी है। इन द मीन टाइम जब तक चाशनी बन रही है, जो हमारे ठंडे हुआ तिल और मूँगफली है इसको हम कर लेंगे मिक्सी में ग्राउंड। इसको हमें चंक्स में चलाना है और दरदरा पाउडर इस तरह से पीस के रेडी कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल पाउडर रेडी है। बर्फी जमाने के लिए हमें एक प्लेट पहले से रेडी रखनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे घी लेके इसको अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। और साथ ही साथ हमारी चाशनी भी बिल्कुल बॉयल हो चुकी है। आप चेक कर लें अपनी उंगलियों के बीच में इसको लेके, अगर 1 तार बन रहा है तो ये आपकी डन है। अब जो हमने सूजी और बेसन का मिक्सचर पहले बना के रेडी किया था, गैस अभी हमारी बंद है। अब इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने चाशनी बनाई है 1 तार की, उसको अभी हमने फ्रेंड्स गैस चालू नहीं करी है। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे जो हमने दरदरा पाउडर पीसा था तेल और मूँगफली का, उसको और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही हम यहाँ पर ऐड करेंगे खोआ। खोए को मैंने हाथ से अच्छे से बुरबुरा तोड़ लिया था और इसको भी हम दे देंगे इसमें एक अच्छा सा मिक्स। अभी मैंने गैस चालू नहीं किया फ्रेंड्स, क्योंकि हमारी चाशनी अभी गर्म है, इसलिए इन सबको पहले आप अपने हाथों से इस तरह से मिक्स कर लें। और यहाँ पे मैंने जो ड्राई फ्रूट्स निकाल के पहले अलग रखे थे इनको भी मैंने कूट लिया था, वो भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए। अब आप गैस ऑन कर दें फ्रेंड्स, मीडियम
पे गैस को रखें और लगातार इसे चलाते रहें तो आप देखेंगे जो मिक्सचर है हमारा वो धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू हो गया है। करीबन 1 से 2 मिनट आप इसको लगातार चलाते रहेंगे तो ये मिक्सचर एकदम रेडी हो जाएगा। अब इसको एक ग्रीस करी हुई प्लेट में आप सारा मिक्सचर को निकाल लें और इसको एक चम्मच की सहायता से फ्लैट कर लें और इसको थोड़ा सा टैप कर लें ताकि इसमें से एयर बबल्स भी निकल जाएं और इसको जमने के लिए हम रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए। 1 से 2 घंटे के बाद आप देखेंगे कि बर्फ़ी बिल्कुल जम के रेडी है और इसको आप अपने मन चाहे आकार में कट कर लीजिए। बर्फ़ी निकालने से पहले प्लेट को थोड़ा सा गैस पे नीचे से गर्म कर लें ताकि आपकी बर्फ़ी इजीली डिश आउट हो जाए। और देखिए कितनी परफेक्ट बर्फ़ी बनके रेडी हुई है। आप इसे तोड़ के मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी इसकी जमी हुई है और तिल और बर्फ़ी की परफेक्ट जो बर्फ़ी है बनके एकदम रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स आप इस बार इस बर्फ़ी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।